मेरा नाम अजयपाल सिंह जाटव है और मैं इधर इटावा लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं और मेरी चुनाव में उतरने की वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि मैं समाज की ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मजबूर लोगों की सेवा कर सकूं। कई योजनाएं ऐसी थी जिससे सम्मानीय बहन जी ने महिलाओं को बालिकाओं को पढ़ने का मौका दिया, उनको 10वीं पास 12वीं पास करने के बाद साइकिल और 10-15-25 हज़ार रुपये भी देने का काम किया। इसके साथ साथ एक काम वो किया जो आज तक इस देश में केवल आवाज़ उठाई गई है, किसी ने करने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब बेटियां पैदा होती हैं तो खुशी नहीं होती है, दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि गरीबी के कारण गरीब परिवार में जब बेटी पैदा हो जाती है उसकी शादी करने में मुश्किल होती है। तो सम्माननीय बहन जी ने वो कानून तो नहीं बना सकते थे, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन सम्माननीय बहन जी ने एक अद्भुत ऐसा काम किया कि जब भी किसी गरीब परिवार में कोई बेटी पैदा होगी और वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उस पात्र परिवार को जब बेटी 18 साल की होगी तो उसको 1 लाख रुपया सरकारी सहायता मिलेगी, तो गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर सकता है। तो ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कदम था। बेहतर शिक्षा के लिए मेरे क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है इटावा लोकसभा में, ना एक भी कोई खेल खेलने के लिए स्टेडियम है और ना कोई ऐसा हॉस्पिटल्स है जहाँ पर अच्छे से लोगों का इलाज हो जाए। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो लोग डिमांड करते हैं नाले और खंजे की, पानी की, बिजली की, ये बहुत छोटी समस्या है, इनको तो मैं बहुत जल्द सॉल्व करूँगा, ख़त्म करूँगा। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेडियम, हॉस्टल्स, ये भी मेरे क्षेत्र में बने, इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। बहुजन समाज पार्टी के शासन में 6 से 7 हज़ार गाँव को पक्की सड़कें दी और लाखों गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया। तो जो BSP की सरकार में डेवलपमेंट हुआ वो हम करेंगे पूरा। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, सबसे पहले तो महिलाएं सुरक्षित हों प्रदेश में, देश में कानून व्यवस्था ऐसी हो, जब सुरक्षित होंगी सशक्तिकरण तभी होगा, और जब तक सुरक्षित नहीं है घर से निकलने में डर लगेगा, ना शिक्षित होंगे ना नौकरी करेंगे, तो सशक्तिकरण की बात करना बेकार है। तो सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो सबसे पहले उनको सुरक्षा प्रदान करना ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो हर वर्ष हर चुनाव में केवल नाली रोड खंजे पानी बिजली के नाम पर वोटा मांगा जाता है, तो इन समस्याओं को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँ, ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। बाकी के 4 साल में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिले, इसके लिए कोई न कोई मेरे क्षेत्र में इंडस्ट्री एरी लगे, औद्योगिकरण हो, पर्यटन स्थल बने, पचनता को डेवलप करके यहाँ रोजगार के साधन जुटाए जाएं। और उससे बड़ी एक प्राथमिकता और होगी कि जो बेहड़ पट्टी में जो किसान है और जो किसानों की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है, तो सरकार ऐसा कानून बना करके लाए उस ज़मीन को सरकारी खर्च में प्लेन करा करके कृषि योग्य बनाया जाए और गरीब लोगों को बांट करके उनको उनकी गरीबी को दूर परमानेंट किया जाए। वैसे तो हमने लगभग 1.5-2 साल में कोशिश की है घर घर तक पहुंचने की, हम पहुंचे भी हैं और 90% लोगों से आज हम मिल चुके हैं, तो वोटर लगभग लगभग सभी जानते हैं।